नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, कमोडिटीज़ की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। बड़े दिनों के बाद आज फुर्सत मिली तो आज बैठा हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि धनिया दीपावली तक 10,000 रुपये हो जाएगा, लेकिन वास्तविक रूप में 8 तारीख के बाद जो ग्राहकी, हालांकि शनिवार ही निकला 8 तारीख के बाद, तो ऐसी ग्राहकी नहीं निकल पाई। लेकिन धनिया का जो मेरा कैलकुलेशन है वो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन धनिया 10,000 रुपये निश्चित रूप से बिकेगा। अभी फिलहाल की जो स्थिति समझ में आ रही है वो स्थिति धनिया में पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। पॉजिटिव ट्रेंड से मतलब है कि बाज़ारों में अब कोई मुझे गिरावट नज़र नहीं आ रही। अब धीरे धीरे करते हुए NCDX बोर्ड 9,000 पे जाता है या 9,200 पे जाता है ये देखने वाली बात है, लेकिन दीपावली तक धनिया निश्चित रूप से पॉजिटिव ही चलेगा। और उसका सबसे बड़ा कारण जो बारंबार में, एक तो खपत को लेकर बराबर मैंने आंकड़े पेश किए हैं, दूसरा जो है जो हम लोगों के पास इस साल जो स्टॉक मिला हमें, जो आज की तारीख में स्टॉक है, वह अगले 6 महीने तक चलाने के लिए बहुत कम माल है। 30-35 लाख बोरी कोई इतना बड़ा माल नहीं है, क्योंकि 30-35 लाख तो जनरली धनिए में आम रूप से कैरी ओवर स्टॉक रहता था। तो कैरी ओवर की तो स्थिति छोड़, हम लोगों के पास अभी अगले 6 महीने में ये 30 लाख बोरी इनसफिशियंट है, मतलब पर्याप्त नहीं है। और पर्याप्त न होने की वजह से धनिए में बराबर पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा। दीपावली तक 10,000 नहीं होगा, 9,000 होगा, लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। हाँ, बिकेगा 10,000 ये निश्चित है, 2021 में ही बिक जाएगा ये पूरी पूरी संभावना है। कलोन जी जो बारंबार में 30,000 के भाव कह रहा था, मेथी जो बारंबार में 9,000 के भाव कह रहा था, वह भी भले समय निकलता जा रहा है, लेकिन कलौंजी व मेथी दोनों एक्सपोर्ट के ऊपर चल रहे हैं तथा कोई अच्छा खासा एक्सपोर्ट निकलता है तो कलौंजी और मेथी दोनों चलेंगे। हाँ, कलौंजी या मेथी में नेगेटिविटी नहीं है, या यूँ मानो कि आप सब फसल की बुआई अच्छी हो जाती है तो भी कलौंजी व मेथी दोनों एक्सपोर्ट के ऊपर चलेगी। और एक्सपोर्ट कोई सही आता है तो बाज़ार निश्चित रूप से बढ़ेंगे, लेकिन अभी जब चल नहीं रहा है तब तक ये कहना मुश्किल है कि साहब ये 30,000 ही पहुँच जाएगा या मेथी 9,000 ही पहुँच जाएगी। हाँ, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, और पॉजिटिविटी बनी रहेगी तो धीरे धीरे अपना माल निकालने की भी सुविधा हो जाएगी। यही हाल हल्दी का है। हल्दी व जीरा दोनों के फंडामेंटल निश्चित रूप से कमज़ोर हैं। कमज़ोर से मतलब
कि एपी गवर्नमेंट की हल्दी की सेल बराबर चालू है तथा अभी भी 52,000 टन का एक लोट गवर्नमेंट ने निकाला है। हालांकि पहले भी निकाला था लेकिन वो माल है 2018-19-17, तो वो माल वैसे भी डंकी हो चुकी हैं। पहले 5,200 में बिका, वापस 5,200 में बिक जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ट्रेंड हल्दी का भी पॉजिटिव ही बना रहेगा। उसका कारण एक तो महाराष्ट्र में जो भारी वर्षा के कारण जो नुकसान हुआ है उसका अभी तक हालांकि कोई प्रॉपर आकलन नहीं हो पाया, लेकिन 25-30% ये ओवरऑल उसमें कई जगह मैंने जो आपको अभी जानकारी दी कि कई जगह जो है ज़मीनी उथल गई, कई जगह जहाँ फल पड़ गया था अंदर वो फल नमी में ही पड़ा पड़ा सड़ गया, तो ये चीज़ें धीरे धीरे सामने आएगी और सामने आएगी तब निश्चित रूप से बाजार चलेंगे। तो फिलहाल के लिए तो मेरे पास कहने के लिए यही शब्द हैं, बाकी तो फिर फ़ोन पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, जो बाकी बातें मैं फ़ोन पर भी अवेलेबल रहता हूँ। धन्यवाद। मैं दर्शकों को एक बात और कहना चाहता हूँ कि एग्री कमोडिटी है, इनके फंडामेंटल समय समय पर चेंज होते रहते हैं, तो मैं कोशिश तो करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियो लाऊं, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती है, कुछ पारिवारिक कारण होते हैं, कुछ बिजनेस के कारण होते हैं, इस वजह से समय पर वीडियो नहीं दे पाएँ, तो फ़ोन पर बात कर लिया करें। जैसा कि चना है, चना निश्चित रूप से लग रहा था कि दीपावली पे 6,000 रुपये क्रॉस कर जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसे कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण ही मुझे ये समझ में आया कि जो प्रॉपर ग्राहकी निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकली है। ग्राहकी निकलेगी तो हो सकता है चना भी 6,000 रुपये क्रॉस कर जाए, लेकिन जब तक ग्राहकी नहीं निकलती है तो 200-300 रुपये बढ़ने पर चने में से धीरे धीरे एग्जिट करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल लेन देन बीच को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।